ये देखो गाइस ये ऊपर वीडियो बना रहे हो। अरे ये रहा हमारा कॉलेज और ये रहा एक क्लास, ये पता नहीं कौन सा क्लास है। एवरीवन गुड मॉर्निंग। सो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कल क्या ही बोलूँ, कल तो कॉलेज में मज़ा ही आ गया और आज भी मैं जा रहा हूँ कॉलेज। और इस साल न्यू ईयर में 2023 में मैं सोचा हूँ घर जाने के लिए, और घर में जाएंगे और दोस्तों के साथ फिर पिकनिक विकनिक में भी जाएंगे। सो गाइस आज 10 तो बज गया है, अब थोड़ी देर में बस मेरा आने वाली है। सो गाइस मैं मिलता हूँ अब कॉलेज में, चलिए मिलते हैं अब कॉलेज में। तो गाइस 11 बजे फाइनली हमारा एक क्लास ख़त्म हो चुका है और अब सेकेंड क्लास बोटनी का लगेगा कुछ ही देर में। और ये हमारे कुछ विद्यार्थी हैं अपने कॉलेज के। सो गाइस और आज दिखाता हूँ आपको उधर कॉलेज, ये देखो गाइस ये वीडियो बना रहे हो। अरे ये रहा हमारा कॉलेज और ये रहा एक क्लास, ये पता नहीं कौन सा क्लास है। ये मेरा चैनल है, जाकर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मैं आज पढ़ाने वाला हूँ कंपोजिशन थीसिस, जो कल मैं प्रेजेंटेशन दिया था और इसे भारत क्या है। सो गाइस ये है अभिषेक और हाँ तो गाइस ये कंपोजिशन थीसिस है, इसे भारत के साथ साथ विदेशों में भी मच्छर नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे इटली से लाकर भारत में ट्रांसफर किया गया था। ये मलेरिया नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसे इटली से लाकर भारत में ट्रांसफर किया गया था, ये बता सकते हैं। यह अत्यधिक पेटू मछली है और इसे इसकी लंबाई 2 से 3 से 5 इंच होती है और यह लार्वा को बहुत पसंद करती है और मच्छरों, और इसलिए इसे मच्छर मछली भी कहा जाता है। और बस हो गया। सो गाइस फाइनली हमारा क्लास पूरा ख़त्म हो चुका है और आज क्लास भी कुछ नहीं लगी थी। सो मैं बैठा हूँ गार्डन के बाहर, बस भी वो आ रही, पता नहीं कहाँ जा रही है क्या नहीं, वो देखिए वो बस आ रही है और पूरा भर चुकी है। सो मैं अब दूसरे बस में जाऊँगा, इसमें नहीं जाऊँगा। हॉर्न बजा रहे यार, ये देख सकते हो गाइस बस को दिखाई दे रहा हूँ, ये पक्षी राज बस है, रुक रही है यार, नहीं रुक रही है। तो गाइस बस वाले सब तो मेरे को ही देख रहे थे, मेरा तो अब आदत थोड़ी बहुत हो गया है वीडियो बनाने का, तो डर थोड़ी बहुत ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जो अंदर का डर है पब्लिक के प्लेस में बोलने का, वो धीरे धीरे ख़त्म हो। और क्लास में भी ऐसा होता है, जाओ प्रेजेंटेशन तो उसमें भी थोड़ा डर ख़त्म होता है, जो अंदर से डर लगता है नहीं यार, और वो लोग करते कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि वो लोग मारेंगे नहीं, केवल वो पूछेंगे क्या कैसा है क्या नहीं, बट वही कुछ लोग जो है नहीं बता पाते हैं। हालांकि मैं भी नहीं बता पा रहा था, पर इस समय कुछ बोल लेता हूँ यहाँ कॉलेज में आकर, नहीं तो जब मैं स्कूलों में पढ़ा करता था तब इतना नहीं बोल पाता था, लेकिन यहाँ आके कुछ इस जो भी है। सो गाइस मिलता हूँ मैं कुछ देर में। सो चुका है और मैं बैठे यहाँ पास बोर हो चुका हूँ और मेरा कौन आ रहा है यार। सो चले जान मैं बात करता हूँ। फाइनली मैं पहुंच आया हूं अपने रूम और मैं ये बोल रहा था कि मेरा
थोड़ा आवाज़ सुन के आप लोग पहचान ही रहे होंगे कि मेरा थोड़ा आवाज़ दबा दबा सा लग रहा है, तो इस टाइम पे थोड़ा मेरा तबीयत डाउन है। तो गाइस कल तो मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, कल बता के लिए आए हैं मैम को, सर को भी बता दिए कि हम लोग कल नहीं आने वाले हैं, अब मिलेंगे कल, मतलब नए साल में, न्यू ईयर में। तो एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को सब्सक्राइबर सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को, और मैम सर को भी बोल दिए एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस कल हो सकेगा तो मैं जाऊंगा अपने गांव घर, और हमारे जो मेरे भैया के भैया भाभी जो अच्छे हैं उनको खाना खिलाएंगे, तो कुछ कार्यक्रम होगा तो मैं जाऊंगा, एंड वहीं फिर मिलेंगे कल। हाँ कल रास्ते का फिर बनाऊंगा वीडियो, अगर जाऊंगा तो नहीं तो फिर तो भूल गया गाइस, अब याद करके बता रहा हूँ। हाँ सो गाइस मैं ये बोल रहा था कि मैं जाऊंगा अपने गांव, फिर वहां से फिर जाएंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों से मिलेंगे, जाएंगे पिकनिक बनाने, घूमेंगे और वीडियो फुल बनाएंगे, आपको फुल दिखाएंगे वहां का वीडियो, जितना भी व्यू जो भी होगा और जहां होगा पिकनिक बनाने जाएंगे वहां का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। सो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहना ऐसे ही, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने अपने मतलब जो भी है जो चलाते हो मतलब शेयर कर देना, ये क्या बोलते हैं भूलता हूँ साला याद कर लूँ। हाँ सो गाइस मैं ये बोल रहा था कि अपने व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टा में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे को सपोर्ट करें, अभी मेरे मतलब अभी छोटा ही यूट्यूबर हूँ मेरा, लगभग समथिंग 35 सब्सक्राइबर हैं अभी टाइम पे। सो गाइस मैं मेरे को ज़रूर सपोर्ट करना और ऐसे ही मेरे साथ ब्लॉग में बने रहना, और कमेंट में ज़रूर प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, उससे क्या है कि हमको मोटिवेट थोड़ा मिलता है, और लाइक ज़रूर कर देना गाइस। सो गाइस ठीक है अपने ये ब्लॉग के ही समाप्त करता हूँ, मैं कल मिलता हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। सो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय जवाहर, जय किसान, ये शुद्ध हिंदी है और अपने गाँव में ये शुद्ध हिंदी बोला जाता है, आपको गाँव में जाके वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे बोलते हैं वहाँ के लोग, आपको मिलवाऊंगा, बात करवाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो चलते हैं गाइस।